हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कुलविंदर और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 14 की। रिसेंटली मैंने एक आईफोन 13 पे वीडियो बनाई थी कि आप आईफोन 13 को कम से कम ईएमआई में कैसे ले सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मेरे को एक कमेंट आया था कि उन्होंने मेरे को पूछा था कि उनको लेना है आईफोन 14 पर वो इसको कैश में नहीं परचेज़ कर सकते, उनके पास इतने ज़्यादा कैश अभी अवेलेबल नहीं है, पर वो एक छोटी सी ईएमआई दे सकते हैं क्योंकि वो एक सर्विस क्लास पर्सन है और वो मंथली एक ईएमआई देने के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी ईएमआई वो आसानी से पे कर सकते हैं और उनके मन के अंदर एक चीज़ है कि उनको आईफोन ख़रीदना है। वो कहते हैं कि मेरा जो है वो ड्रीम है आईफोन परचेज़ करना, तो वो इसको कम से कम ईएमआई में कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि आईफोन 14 को आप एक छोटी सी ईएमआई पे कैसे परचेज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर जो क्रेडिट कार्ड की ऑफ़र्स चल रही हैं, जैसे कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है या फिर आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड है, तो इसके ऊपर कुछ ऑफर्स चल रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको कि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आप इसको कैसे फाइनेंस करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईफोन 14 का अभी रीसेंट प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए, आईफोन 14 का रीसेंटली प्राइस जो मैंने स्टोर्स पर जाकर कंफर्म किया है वो चल रहा है 74,900 रुपीज़। इसका जो कैश में प्राइस है, अगर आपको इसको कैश में लेना है तो 74,900 रुपीज़ का भी मिलता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो मैंने जो फ्लिपकार्ट पे देखा तो ये 71,000 रुपीज़ का मिल रहा था। पर देखिए, जिन लोगों को कैश में लेना होता है तो वो तो कई ऑनलाइन ही परचेस कर लेते हैं, पर कुछ लोग एक साथ इतने ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते तो उनको ये फ़ोन जो है वो 74,900 रुपीज़ का 128 GB मिलता है। अगर आप इसमें 256 GB वाला वेरिएंट परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका प्राइस जो है वो 10,000 रुपये बढ़ जाता है। उसका प्राइस जो है 84,900 रुपीज़ है। अगर आप इसमें 512 GB लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्पेस ऑलरेडी फुल होती है उनके फ़ोन के अंदर, तो उनको बड़ा वेरिएंट परचेज करना पड़ता है, तो उसका प्राइस जो है आपको मिलेगा 1,49,000 रुपीज़, मतलब कि 1,05,000 के करीब जो है ये फ़ोन देखने को मिलता है। प्राइस के बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप इसको फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आप इसको कहां कहां से फाइनेंस करवा सकते हैं, किस किस कंपनी से आप इसको फाइनेंस करवा सकते हैं, जो कि 0% रहेगी, इसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से आप परचेज़ करते हैं, वहां पर आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, 71,000 रुपीज़ का मिल जाता है। पर अगर आप उसको फाइनेंस करवाना चाहेंगे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से तो तकरीबन 15,000 रुपये वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एक साल का। अगर आप 2 साल का कराएंगे तकरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो। तो अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड बना हुआ है तो आप नज़दीकी एप्पल के ऑथोराइज स्टोर्स पर जाइए, वहाँ पर आपको आईफोन 14 128 GB 3121 की ईएमआई पे मिल सकता है। अगर आप इसमें 256 GB लेना चाहते हैं तो उसकी मंथली ईएमआई रहेगी 3537 की मंथली ईएमआई रहेगी। अगर आप इसके अंदर 512 GB वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उसकी मंथली ईएमआई रहेगी 4371 रुपीज़। और आपकी इसके ऊपर 0% डाउन पेमेंट भी हो सकती है, मतलब कि आपको कोई भी पहले पैसा नहीं देना है, सीधा आपको ये छोटी सी ईएमआई देनी है। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो 14 128 GB ही लेते हैं। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको स्टोर पर अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो लेके जाने हैं पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी और आपके पास जो एटीएम है उस बैंक के साथ का, उसको ज़रूर लेके जाना दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आधार कार्ड पैन कार्ड लेके पहुंच जाते हैं स्टोर पर, और वहाँ पर जब वो रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछते हैं कि आपका जो अकाउंट नंबर बताइए जहाँ से आप अपनी किस्त कटवाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास वो उस टाइम नहीं अवेलेबल होता। तो ये 4 चीज़ें आप लिख लीजिए, आपको ज़रूर लेके जानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी और एटीएम। क्योंकि आपका जो एटीएम है उससे क्या होता है कि ई मैंडेट किया जाता है आजकल। पहले बजाज फाइनेंस या फिर एचडीएफसी में क्या होता था कि लोगों से फिज़िकली साइन करवाए जाते थे,
उनके पास एक ई मंडेट का फॉर्म होता था, तो उसके ऊपर वो सिग्नेचर करवाते थे। बहुत सारे लोगों के साइन मिसमैच हो जाते थे, मतलब कि जो बैंक में जो उनके साइन है और एक वहाँ पर साइन है, मिसमैच हो जाते थे, जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट में पैसे होकर भी उनको पेनल्टी लग जाती थी, कि मतलब उनको बाउंसिंग चार्ज देने पड़ते थे। तो इस चीज़ का सलूशन HDFC और बजाज ने ये निकाला कि उनका ई मंडेट किया जाता है। ई मंडेट क्या होता है कि आपके अकाउंट के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है, आपकी ऑथराइजेशन ली जाती है, आपका वो मोबाइल नंबर पे OTP आता है कि हाँ आप ऑथराइज करते हैं बजाज फाइनेंस को या फिर HDFC को कि वो हर महीने आपके अकाउंट से जो EMI बनती है वो डिडक्ट कर पाएँ। इसके बाद अगर आप HDFC पेपर फाइनेंस करवाते हैं, मतलब कि HDFC क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई अकाउंट नहीं चाहिए HDFC का, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो वहाँ पर आपको HDFC का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। उससे अगर आप iPhone परचेज करते हैं तो आप 30 महीने तक की EMI ले सकते हैं, मतलब कि आपकी मिनिमम EMI अगर आप iPhone 14 परचेज करते हैं तो 2497 तकरीबन 2500 रुपये आप महीना देकर iPhone एंजॉय कर सकते हैं। और इस फ़ोन को आप Zest Money, IDFC Finance और ICICI से भी फाइनेंस करवा सकते हैं। ये तो हो गई फाइनेंस की ऑफ़र। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चल रहे हैं वो कैशबैक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास है HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तो उसके ऊपर आपको 4000 रुपये का कैशबैक मिलेगा और ये स्टोर पर आपको ये फ़ोन 70,900 रुपीज़ का पड़ेगा, 128 GB ऑन 6 months नो कॉस्ट EMI। 6 months नो कॉस्ट EMI का मतलब जो फ़ोन है आपको 6 महीने में कोई भी ब्याज नहीं पे करना है, आपको जितना भी अमाउंट है आपको 6 महीने में पे करना है। 74,900 रुपीज़ का वो कार्ड स्वाइप करेंगे, आपको उसके ऊपर 4000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, उसी में 4000 रुपये 120 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे और आपकी जो EMI जा रही है मंथली उसी में वो एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये मेरे को कहते हैं कि उनका कैशबैक नहीं आता जो पुराना उन्होंने कार्ड स्वाइप किया है। तो पहले तो देखिए, ये कैशबैक इंस्टेंट चल रहा था, अप्रैल से पहले इंस्टेंटली कैशबैक चल रहा था, उसी टाइम कैशबैक आ जाता था, पर 1 अप्रैल से कुछ स्कीम्स चेंज हो गई हैं। उसके अंदर ये रहा है कि आपका जो कैशबैक है वो 4 महीने के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और 6 months की नो कॉस्ट EMI मिलती है। पहले ये ख़त्म हो गई थी नो कॉस्ट EMI, पर अब ये स्टार्ट हो गई है। और ये कैशबैक आप अपने HDFC डेबिट कार्ड, जी हाँ ATM पर भी ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक अपनी EMI लिमिट चेक करनी होती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 months की EMI पर ही मिलेगा। आप EMI थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको डेबिट कार्ड पे कैशबैक लेना है तो आपको उसके ऊपर EMI करवानी ही पड़ेगी और 6 महीने तक ये बिल्कुल 0% है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपको अपनी EMI लिमिट चेक करनी है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9643222222 पर मिस कॉल करनी है। मिस कॉल करते ही आपको HDFC बैंक से मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी EMI लिमिट कितनी है, कितने तक का आप जो है वहां पर प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हैं। तो आपको कैशबैक भी मिलेगा, आपको EMI भी मिल जाएगी। अगर आपके पास है ICICI का क्रेडिट कार्ड तो आपको ऑफर मिल सकती है आईफोन फॉर लाइफ, मतलब कि आपका जो फ़ोन है वो है 74,900 रुपीज़ का। अगर आप इसको ICICI क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो आपको मिलेगी 0% down payment, 0% इंटरेस्ट और 24 months तक की नो कॉस्ट EMI। और आपकी जो EMI इसके अंदर रहेगी तकरीबन आपकी 2340 रुपये की मंथली EMI रहेगी। इतनी छोटी EMI कैसे बनी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बन रहे हैं 56175 रुपये। पर आप सोचेंगे भाई ये इतना कम बन रहा है, हमने तो 74,900 का फ़ोन लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपका जो 75% अमाउंट है जितने का फ़ोन है उसका क्या होता है, मतलब कि जो 56175 रुपये की आपको ना 24 किस्तें बनती हैं और रेस्ट आपकी जो डाउन पेमेंट है मतलब कि वो बनती है 18,725 रुपये। पर आपको ये डाउन पेमेंट पहले नहीं देनी,
तो ये इसके अंदर बढ़िया बात है, मतलब कि जो लोग पहले इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते तो उनके लिए ये ऑफर बहुत अच्छी है। छोटी सी ईएमआई पे आप फोन परचेज कर पाएंगे और 24 किस्तें खत्म होने के बाद जो डाउन पेमेंट है 18,725 रुपए वो आपको एंड में पे करनी है। भाई दो साल के बाद तो वैसे ही बंदा कहता है मैं फ़ोन बेच के आराम से डाउन पेमेंट दे दूंगा, मतलब कि आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऑफर है ICICI क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आप आईफोन 14 परचेज करने वाले थे और इस वीडियो ने आपकी नॉलेज के अंदर कुछ भी बढ़ोतरी की है, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में डालिए इस वीडियो को ताकि और लोग इसके बारे में जान पाएँ और आईफोन परचेज कर पाएँ और आपको धन्यवाद बोल पाएँ। भाई थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। भाई मेरे को सपना था कि मैंने आईफोन परचेज करना था तो आपकी वजह से मैंने आईफोन परचेज कर लिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।